हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्रॉम्पटन के पंखे में बताना चाहता हूँ कि क्रॉम्पटन के पंखे में आवाज़ आती है ना चलने में, अटक अटक के चलता है, आज हम इसको बनाएंगे। ये क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन 48 का, क्रॉम्पटन हाई स्पीड है 48 का। आज इसको हम रिपेयर करेंगे और जो आवाज़ का एक प्रॉब्लम आया, इसमें आवाज़ आती है, वो आवाज़ इसकी निकालेंगे। जो चलने में कस्टमर की मतलब एक कंप्लेन आई है कि ये चलता है तो खटंग 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 करके साउंड आता है और रुक जाता है। आज इसका जो ये जो साउंड है वो बंद कर देंगे और पंखे का जो ऑयलिंग ग्रीसिंग है इसमें सॉफ्ट है वो कर जाता है, वो सब अभी आपको बताएंगे। अभी इसको हम खोलना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम खोलते हैं धीरे धीरे। हाँ, अभी मैं इसको खोलता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ ये फैन के, कि हम इसके बॉडी के स्क्रू खोल रहे हैं। ये देखिए, ये तीनों स्क्रू हैं, तीन स्क्रू आते हैं, तीनों स्क्रू खोल रहे हैं बॉडी के। ये स्क्रू खुल रहा है, ये बॉडी का स्क्रू खुल रहा है, तीनों स्क्रू खोल दिया गया। अभी खोलने के बाद मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। ये इसका स्टार्टर है, ये स्टार्टर है। ये प्लस इसकी बैरिंग है, ये बैरिंग कट गई है, ये इसके वजह से जो आवाज़ आ रही है, कटंग कटंग की साउंड आता है टच होने का, जो रुक जाता है। बैरिंग गई हुई है, सॉफ्ट कटा हुआ है, इसके वजह से आवाज़ आती है। पर कभी कभी क्या होता है कि मतलब ये सॉफ्ट मतलब ज़्यादा कटने से पंखा ही रुक जाता है, और थोड़ा कटेगा तो चलते रहता है, और ये वाइंडिंग वीक हो जाती है। तो हम जब इसको पंच करते हैं, इसको हम ठोकेंगे पंच करके आपको दिखाते हैं, पंच करने के बाद कभी कभी इसकी वाइंडिंग चली जाती है। मतलब बहुत कम फैन जो होते हैं वो सक्सेस होते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। इसको हम ये पंचिंग करते हैं, पंच करने से चल गया तो सकते हैं, नहीं तो ये सॉफ्ट नया डालना पड़ेगा आपको। ये जो इसकी बैरिंग है, इसकी बैरिंग जाम है, तो बैरिंग के जो छर्रे होते हैं, छर्रे जाम होने से इसकी बैरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, पंखा घूम नहीं रहा है, साउंड आ रहा है। तो हम इसकी बैरिंग चेंज करके देखते हैं, बैरिंग अपने पास से डालते हैं। तो ये बैरिंग हमारे पास बैरिंग है, बैरिंग हम इसकी बदली करते हैं। ये बैरिंग है, एक नंबर बैरिंग बोलते हैं, ये बैरिंग इसमें हम चेंज कर देते हैं, ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आवाज़ आना, साउंड होना, सारे बैरिंग हम इससे दूर कर देंगे प्रॉब्लम। ये इसकी बैरिंग हमारी लग रही है, भाई साहब ये बताइएगा कि ना ये जो भी है इसको आपको बता रहा हूँ। इसकी बैरिंग लग गई है, ये बैरिंग लग चुकी है। अब ये जो बैरिंग है मैं निकालूंगा, ये इसका मैं कूलर लगाया हूँ, ये कूलर लगा के इसकी मैं बैरिंग खींचने जा रहा हूँ। ये देखिए हमारा कूलर है, ये कूलर से हमारी बैरिंग निकलती है। ये बैरिंग हम निकाल देंगे इसको, ये देखिए ये बैरिंग निकल गई, इसकी बैरिंग हमारी निकल गई। अभी मैंने क्या किया था कि जो नई बैरिंग थी वो इसमें लगा दिया, नई बैरिंग मैंने इसमें टाइट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर अब इसको फिटिंग करना है, फिटिंग करके फिर मैं आपको चालू करके दिखाऊँगा कि मतलब कि नई बैरिंग डालने का आवाज़ साउंड सब बंद हो जाएगा। अभी मैंने इसका बैरिंग डाल दिया, अब इसको कवर फिट कर रहा हूँ। कवर रेडी होने के बाद मैं पूरा फिटिंग करके फिर आपको चालू करके दिखाऊंगा। जैसे मैं रेडी कर रहा हूँ, देखिए पूरा हमारा बॉडी टाइट हो रही है, इसकी बॉडी टाइट हो रही होगी। बॉडी टाइट होने के बाद मैं आपको भी बताऊँगा इसकी स्पीड क्या है, कैसा चलता है, तो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। अभी अपना फैन रेडी हो चुका है, फैन रेडी की आवाज़ बंद हो गई इसकी, अभी मैं आपको रेडी करके चालू करके दिखाता हूँ। ये हमारा सीरीज है, ये सीरीज है हमारा, सीरीज में हम टेस्ट कर लेंगे इसको, ओके हो जाएगा ये, कि हमारा सीरीज है। अब हम इसको ओके कर लेते हैं, डायरेक्ट चालू करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये फैन हमारा चालू हो गया, आवाज़ बंद हो गई, जरा भी आवाज़ नहीं आ रही है, फर्स्ट क्लास हो गया फैन, ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं चल रही, जरी भी साउंड नहीं है, आवाज़ पूरी चली गई थी। और मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि आपको मेरा फ़ैन बनाने का स्टाइल कैसा लगा, और फ़ैन का जो भी प्रॉब्लम है मैंने दूर कर दिया। ऐसे ही नए नए जो भी प्रॉब्लम आएंगे फ़ैन के अंदर मैं आपको बताते रहूँगा। क्रॉम्पटन हो, कोई भी फ़ैन हो, मैं सब फ़ैन रिपेयर करता हूँ। और आप मुझे कमेंट में बताना फ़ैन का आपको कैसा लगा, क्या लगा। नए नए वीडियो में डालते रहूँगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो।